कितने साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा? 3.5 साल में पैसा हो गया डबल, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या रिटर्न रेट ऑफ परसेंटेज होना चाहिए? जिन 10 फंड की आज हम बात कर रहे हैं ना, उन 10 फंड में एक फंड ऐसा है जिसने 24% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है। सिर्फ 54 लाख दिया है, 44 करोड़ पूरा गेन का गेन है। और साथ में 10 ऐसे म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा जिन्होंने 21% का एनुअल रिटर्न दिया है। 15,000 अगर किसी ने डाला है तो 5.5 करोड़ रुपए बनते हैं सर। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी हिस्ट्री देखो सर, हिस्ट्री उसकी कहानी बयां करती है। देखो फाइनेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना दुनिया ने बना रखा है। फाइनेंस है बहुत सिंपल, अगर इसको सिंपल करके समझाया जा सके तो। तो आज फाइनेंस को बड़े सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन का टॉपिक हमारा यही है। आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बेसिकली कुछ रूल्स भी बताऊंगा आपको और साथ में 10 ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी बताऊंगा जिन्होंने 21% का एनुअल रिटर्न दिया है सर पिछले 20 सालों में। कितना? 21%। हम बात करते हैं 6%, 8%, 10%, 12%, 15% रिटर्न की। सर ये 10 फंड ने ना 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है, इसका मतलब 3.5 साल में पैसा डबल। तो कैसे? आज हम बात करते हैं और साथ में आज कुछ रूल्स ऐसे बताऊंगा सर। अक्सर हमारे को कंफ्यूजन होता है कि सर कितने कैसे कैलकुलेट करें कि कितने साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अच्छा ये भी कैसे कैलकुलेट करें कि क्या रिटर्न रेट ऑफ परसेंटेज होना चाहिए जिससे मेरे को पता चल जाए इतने साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सवालों के जवाब कुछ वन लाइनर रूल्स के जरिए दूंगा। देखो फाइनेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना दुनिया ने बना रखा है। फाइनेंस है बहुत सिंपल, अगर इसको सिंपल करके समझाया जा सके तो। तो आज फाइनेंस को बड़े सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे और म्यूचुअल फंड की उलझनों को भी इन 10 म्यूचुअल फंड के जरिए जरा सीधा करने की कोशिश हम करते हैं। देखो 3 फैक्टर्स होते हैं, इनका हमेशा ख्याल रखना इन्वेस्टिंग में। पहला, कितना पैसा आपको मंथली इन्वेस्ट करना है, जिधर भी करना है उसमें रिटर्न रेट ऑफ परसेंटेज आपको कितना मिल रहा है। दूसरा, तीसरा, कितने ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इन 3 चीजों की अगर आपको समझ है फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, फिर सब आसान है। आओ समझते हैं आगे। सर पहला मेरा सवाल मन में ये उठता है, हाउ टू नो कितने साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं ना मेरे को पैसा डबल करना है, कितने साल में डबल हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करें, क्या रिटर्न रेट ऑफ परसेंटेज होना चाहिए। चलो सर रूल ऑफ 72 है उसके लिए। रूल ऑफ 72 क्या कहता है सर? 72% ऑफ रिटर्न, 72% ऑफ रिटर्न जितना मिल रहा है आपको ये बता देगा कि कितने साल में आपका पैसा हो जाएगा डबल। अगर आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है तो 72/5 कर दो। अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, 72/12 कर दो, पता चल जाएगा कितने साल में डबल हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया सर FD में लगभग 6% के आसपास का रिटर्न मिलता है, इन दिनों तो बढ़ा हुआ है लेकिन नॉर्मली 6% के आसपास रहता है। तो 72/6 हमने किया तो हमें पता चल गया सर 12 साल में अपना पैसा हो जाएगा डबल। 12 साल में पैसा हो जाएगा अपना डबल, ये अपने को समझ आ गया। सर SIP में लगभग हम 15% की बात कर रहे हैं, लॉन्ग होराइजन में बात करते हैं, तो 72/15 कर दो आप सर, 4.8 ईयर्स में आपका पैसा हो जाएगा डबल। ठीक है। और आज जिन 10 फंड्स की बात करने वाले हैं, 10 म्यूचुअल फंड्स की, उन्होंने 20 साल के होराइजन में 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो हमने चलो 21% के हिसाब से भी कैलकुलेट किया तो 72/21 सर 3.4 ईयर्स में पैसा हो जाता है डबल। अच्छा जब हम डबल की बात कर रहे हैं 3.84 ईयर्स में, तो आप हमेशा ये ख्याल रखना सर हम 20 साल के लॉन्ग होराइजन की बात कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2008 से लेकर के 2011 में 3.4 ईयर्स में पैसा डबल हुआ ही हुआ होगा, ऐसा नहीं। लॉन्ग होराइजन में एवरेजिंग करी जाती है, किसी साल में 5%, किसी साल में 15%, किसी साल में 40%, तो किसी साल में 8%। तो लंबे समय में देखा गया तो हर साल 21% से ऊपर का रिटर्न निकल के आ रहा है, यह होती है एवरेजिंग। तो हमने इस तरीके से 21% देखा तो 3.5 साल में ही पैसा हो जाएगा डबल। इतना समझ में आ रहा है? अब मेरा सवाल अगला ये है कि सर कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मेरे को चाहिए पैसा डबल करने के लिए। सवाल थोड़ा सा बदल गया, पहले हमको कितना साल चाहिए था कि कितने साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, अब मेरे को ये भी जानना है कि साल मेरे को पता है कि 10 साल में डबल करना है या 5 साल में डबल करना है, 12 साल में डबल, साल मेरे को पता है, मेरे को 12 साल में अगर पैसा डबल करना है तो बताओ कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न मेरे को चाहिए जो मुझे पता चल जाए कि भैया इस जगह इन्वेस्ट कर लूँ, यहाँ तो मुझे 12% मिल रहा है, यहाँ तो मेरे को 10 मिल रहा है, यहाँ तो मेरे को 6 मिल रहा है, इतने साल में, साल मेरे को अगर पता है तो मैं कहता हूँ अगेन रूल ऑफ 72 सर, 72/number of years यू वॉन्ट टू डबल, जितने साल में आपको डबल करना है 72 से उसको डिवाइड कर दो। आपको 10 साल में डिवाइड करना है 72/10 कर दो, आपको 5 साल में डबल करना है 72/5 कर दो,
ठीक है, पता चल जाएगा कितने परसेंट का रिटर्न आपको मिलना चाहिए तभी वो डबल कर पाओगे आप उतने साल में। अब फॉर एग्जांपल हमने लिया सर 3 साल में अपने को पैसा डबल करना है, तो 72/3 कर दो, 24% रिटर्न आपको चाहिए पैसा डबल करने के लिए, 24% रिटर्न एनुअली आपको चाहिए 3 साल में पैसा डबल करने के लिए। अच्छा, जिन 10 फंड की आज हम बात कर रहे हैं ना, उन 10 फंड में एक फंड ऐसा है जिसने 24% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है एनुअली। देसी फंड, इंडियन फंड, कोई विदेशी कंपनी में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, है ना मजेदार, बताता हूं अभी। ठीक है, मेरे को 10 साल में पैसा डबल करना है, तो सर 7.2 का मेरे को इंटरेस्ट रेट चाहिए आज के दिनों, जैसे एफडी मिल रहा है, एफडी के इंटरेस्ट रेट इन दिनों अच्छे मिल रहे हैं सर, अगर नहीं पता तो बता दूं 7% से ऊपर के एफडीज मिल रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ महीनों में ये घट जाएगा, अपनी औकात पर आ जाएगा, 6.5-6 पर ये आएगा, क्योंकि एफडी की असली औकात 6% 5 से 6 के बीच ही घूमती है, वो असली औकात है। ठीक है, तो 7.2 जैसे इन दिनों मान लो मिल रहा है, तो 10 साल लगेगा सर, 10 साल आपको पता है 10 साल में पैसा डबल करना है तो आपको 7.2 रिटर्न चाहिए। 2 सवाल का जवाब मिला ना, है ना कितना बढ़िया मजेदार। अभी बताऊंगा वो 10 फंड 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है, इतना समझ में आ रहा है क्या, मेरे को कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताओ जल्दी से, तब आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है सर 15-15-15 का रूल क्या कहता है सर, ये रूल ये कहता है कि 15,000 रुपया 15 साल के लिए 15% के हिसाब से किधर भी आपने इन्वेस्ट किया सर, वो 1 करोड़ बन जाएगा। 1 करोड़ चाहिए 15 साल में, तो 15,000 रुपये महीने का डालो सर, और 15% का एनुअल रिटर्न होना चाहिए, और 15 साल के लिए 1 करोड़ रुपये बन जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन, अभी दिखाऊंगा लाइव आपको दिखाता हूं। अच्छा, अब सवाल ये है 15,000 रुपया 15% के हिसाब से अगर 30 साल के लिए छोड़ा, अभी दिखाऊंगा करके, आप बताओ तब तक कमेंट बॉक्स में कितना पैसा बनेगा। सिर्फ हम साल को डबल कर रहे हैं और कुछ नहीं, पैसा उतना ही है, परसेंटेज उतना ही है, सिर्फ साल को हमने 15 साल से 30 साल कर दिया सर, 1 करोड़ का 2 करोड़ बनेगा क्या, या 3 करोड़ बनेगा क्या, या 4 करोड़ बनेगा क्या, या बढ़वे नहीं करेगा, आप बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर कुछ चीजें दिखाता हूं आपको। सर गूगल पर मैंने लिख दिया SIP कैलकुलेटर, इनमें से कोई भी SIP कैलकुलेटर आप खोल लो, मैंने ये वाला खोल लिया सर, पीरियड हमने ले लिया कितना लिया 15 साल, और यहां 15% सर, पैसवा देखिए कितना आ रहा है, पैसवा आ रहा है 1 करोड़ 1.02 करोड़। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है सर, मात्र 27 लाख रुपए मैंने दिया है, 74 लाख रुपए का तो मेरे को इंटरेस्ट मिल गया इसमें, 74 लाख रुपए का इंटरेस्ट। अच्छा, और यहां ग्राफ से समझो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ये देखो सर, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ग्रे वाला देख रहे हो ना, ग्रे वाला पार्ट ये है, और ये क्या है, यहां देखो सर, टोटल इन्वेस्टेड मतलब ये पैसा आपने दिए, और ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो ये वो पार्ट है जो आपको मिला रिटर्न, मतलब लगभग आपको आपके दिए हुए पैसे से तो ज्यादा ही आपको रिटर्न मिला है, ये ग्राफ में भी दिख रहा है और यहाँ फिगर भी मेरे को दिख रहा है, मैंने 27 दिए हैं लेकिन मेरा मेरे को 74 है, तो टोटल मेरा गेन हो गया 1 करोड़ का। अब चीजें और जरा समझो सर, मैंने आपसे पूछा अभी सवाल कि अगर मैं सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ा दूं 30 साल कर दूं, क्या जादू होता है देखें जरा सर, 30 साल मैंने कर दिया, जादू आ गया सामने आपके, 10.5 करोड़। अरे सिर्फ ड्यूरेशन ही तो डबल किया है, 15 साल का 10 साल सिर्फ ड्यूरेशन ही तो बढ़ा है, 10 गुना बढ़ गया, 10.5 करोड़ हो गया, यही तो जादू है सर कंपाउंडिंग का। आइंस्टाइन ऐसे बेवकूफ थोड़ी था जो कहता है 8वां अजूबा है ये कंपाउंडिंग है, ये जादू है कंपाउंडिंग का। देखो मेरे से अगर पूछो ना, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो सर, मनी डजंट मैटर, रिटर्न रेट ऑफ परसेंटेज डजंट मैटर, टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, समय, ड्यूरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरेशन वो चीज है जो कम रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज को, कम डिपॉजिट अमाउंट को बहुत बड़ा करने की ताकत रखता है। और ये समय सिर्फ फाइनेंस में ही नहीं, रियल लाइफ में भी समय का बड़ा रोल है, समय इतना ताकतवर है कि आज कमजोर से कमजोर आदमी को मजबूत करने की ताकत रखता है समय। ऐसे कितनी सारी फिल्में, ऐसे कितने सारे लोग अपनी जिंदगी में, या क्यों हो सकता है आप हो,
सर एक समय में जिसकी औकात नहीं थी किसी के सामने टेबल पर बैठने की, आज उसी आदमी की औकात इतनी बड़ी हो गई है कि वो खुद कुर्सी पे बैठता है और सामने वाले को जमीन पे बिठाने की औकात रखता है। समय ऐसे पलटता है सर, समय बड़ा बलवान है, पैसे के मामले में भी और आदमी की जिंदगी मामले में। तो मैं कहता हूं पैसे की ज्यादा कदर करनी है, समय की, समय की। पैसा तो दोबारा कमा लोगे, करोड़ों करा कमा लोगे, लेकिन उस करोड़ों को लगा करके भी एक सेकंड समय का नहीं खरीदा जा सकता। जो समय गया वो गया, लेकिन जो पैसा गया क्या वो हमेशा के लिए गया? नहीं, पैसा तो वापस ले आएंगे सर, समय नहीं आएगा। और आज की युवा पीढ़ी हमारी, बड़ा तरस आता है उनको देख के, उनके पास पैसे तो है ही नहीं। बाबूजी के खर्चे पर उनका घर चल रहा है, उन घर तो खैर बाबूजी चला ही रहे हैं, बाबूजी के खर्चे पर उनका फोन, लग्जरी दिखावा, जूते सब चल रहे हैं, और उसके बावजूद समय के बेचारों की कदर ही नहीं है। लगे पड़े हैं गप्पे हाँकने में, सलमान खान की शादी और बीजेपी, कांग्रेस और कैटरीना कैफ और इंस्टाग्राम रील, मेरा व्यूज़ कम तेरा व्यूज़ ज़्यादा, समय ख़राब कर रहे हैं सर, ना करो ये, समय नहीं खरीदा जा सकता, कितने पैसे लगा लो। खैर आओ मुद्दे पर आते हैं। तो हमने जस्ट समय को डबल करा और हमारा पैसा हो गया 10 गुना। अब जरा हम देखते हैं सर 21% वाला हिसाब किताब। फंड बताऊंगा वो 10 फंड कौन से जिन्होंने 21% दिया है। मैं अगर इसी 30 साल को, अभी कितना है सर 30 साल, 15,000 और 15% मेरे को 10.5 करोड़ मिल रहा है। मैं इसको कर देता हूँ 21%, 6% तो बढ़ा है, सिर्फ 6% बढ़ा है। मामला 10.5 करोड़ से ये 45 करोड़ टच हो रहा है, 44.89 सर। इसमें गेन मेरा देखो सर 44 करोड़ का तो सिर्फ गेन है, और मैंने दिया है सिर्फ 54 लाख दिया है, 44 करोड़ पूरा गेन का गेन है। इधर देखो ग्राफ में, ये जो ग्रे वाला है जो पार्ट आपने दिया है वो दिख भी नहीं रहा सर, वो दिख भी नहीं रहा। ये इतना बड़ा पहाड़ जो है ये गेन गेन का है, मतलब ये प्रॉफिट प्रॉफिट का है जो आपको मिला है। ये खेल समय का है, कितने समय तक छोड़ा। हाँ परसेंटेज और डिपॉजिट अमाउंट तो मैटर करता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा समय मैटर करता है। देख रहे हो ऐसा कंपाउंडिंग उठ के गया है ग्राफ, है ना मज़ेदार। ये ताकत है कंपाउंडिंग की, ये ताकत है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की। सर इन्वेस्टिंग के साथ जब डिसिप्लिन लगाता हूँ तो मुझे एक चीज़ याद आ गई, ये जो फिगर है ना, कितने लोग टच कर पाते होंगे SIP में इन्वेस्ट करके, आपको क्या लगता है? सर आंकड़ा 1% भी नहीं है। SIP में इन्वेस्ट करने वाले अगर मैं मानूँ 100 लोग हैं तो इस तरह के आंकड़ा 1% को भी नहीं मिलते। अब आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, ये फिर कैलकुलेशन गलत है क्या, ये क्या बता रहे हो यार, तो झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। गलती इसकी नहीं है, गलती उन म्यूचुअल फंड्स की, फंड मैनेजर्स की नहीं है, गलती आपकी है, गलती उन लोगों की है जो SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों, ये क्या उल्टा ही बात कर रहे हो? हाँ बताता हूँ सर, मैंने देखा है 10 में से 9 लोग जो SIP में इन्वेस्ट करने जाते हैं ना सर, अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया फिर तो छोड़ देते हैं। प्रॉपर्टी लिया है भैया 10 साल 15 साल 20 साल, तो छोड़ दिया है। लेकिन SIP में इन्वेस्ट किया, रोज़ चेक करेगा, अरे बढ़ा क्या, बढ़ा क्या, आज चेक कर बढ़ा क्या, अच्छे बढ़ा क्या, 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में आदमी परेशान हो जाता है, अरे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, रोज़ हम 5,000 रुपये महीना दे रहे हैं, अभी तक तो 5 लाख रुपये हो जाना चाहिए था, हुआ ही नहीं है। आदमी फिर बंद कर देता है, या फिर उसका 5,000 रुपये महीना 15,000 रुपये से ऊपर होना चाहिए, पता चला 13,000 रुपये रह गया, फिर आदमी बंद कर देता है। तो घट रहा है भैया, ये तो लॉन्ग टर्म में क्या देगा, ये तो घट रहा है, नहीं ठीक नहीं है, बंद करो इसको, छोड़ो, निकाल लो पैसा, कम से कम 13,000 मिल तो रहा है, आदमी फिर डिसकंटिन्यू कर देता है। अरे जब हम कह रहे हैं SIP लॉन्ग टर्म का गेम है, कभी आपको 5% भी मिलेगा किसी साल, और किसी साल 50 भी मिलेगा, लॉन्ग टर्म एवरेजिंग का गेम है, उतना पेशेंस तो रखो, उतना डिसिप्लिन तो रखो। तोड़ दिया SIP, नहीं मेरा घट गया है, 3 ही महीने में तोड़ दिया। सर कितने लोग हैं ऐसे, 10 में से 9 लोग ऐसे ही हैं, 10 में से 1 लोग या 2 लोग नहीं, 10 में से 9 ऐसे ही हैं, SIP में पेशेंस ही नहीं है। वही LIC में इन्वेस्ट कर दिया, फिर तो वहाँ देंगे, क्योंकि पता है ना LIC वाला देगा नहीं पैसा, पैसा खा लेगा तुम्हारा अगर वापस मांगोगे तो। अरे LIC वाले बाबू, हमने 1 लाख रुपये डिपॉजिट किया है पिछले 1 साल में, वापस दे दो, कान पकड़ के मार के भगाएगा, भगाए सर कुछ पैसा नहीं मिलेगा। SIP में तो अपना दिख रहा है, फट से निकाल लिए, एक बटन दबाया और अगले दिन पैसा अपने अकाउंट में आ गया, तो निकाल लेते हैं आदमी, LIC वाला थोड़ी देगा, मार के भगा देगा वो। तो LIC में बंदा तो फिर सालों साल जमा करता रहता है, सालों साल तक 15-15 साल से दे रहा है, SIP में नहीं देता 15 साल तक। SIP में दे के देखो ना, LIC का बाप ताऊ निकल के आएगा SIP से आपको, ये आंकड़ा जो है ना, ये आंकड़ा निकल के आएगा। अब आओ उस मुद्दे पर हम आते हैं, कहाँ थे हम, 21% रिटर्न देने वाले फंड सर ये है, नाम मैंने रखे हैं,
हालांकि ये जो मैं आंकड़ा लिखा है ये एक साल पुराना आंकड़ा है, रीसेंट आंकड़ा, आप चेक कर सकते हो किसी में इन्वेस्ट करने से पहले। ये फंड्स मेरे रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, इन फंड्स वालों ने मुझे पैसे उसे बिल्कुल नहीं दिए हैं रिकमेंड करने के। ये आंकड़े मुझे 20% से ऊपर, 21% से ऊपर निकाल के दिखाने थे, इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इन्वेस्ट करना होगा तो अपनी समझदारी, अपने एनालिसिस, सब कुछ करके इन्वेस्ट करना। इसलिए सागर सर ने बोला है पिछला 20 साल में दिया है 21%, तो अगला भी देगा ही देगा। अरे इसकी कोई गारंटी नहीं है भैया, पिछला दिया है तो अगला भी देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगला हो सकता है 11 दे, लेकिन हाँ जब कोई म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इस तरह के म्यूचुअल फंड, बड़े म्यूचुअल फंड, तो यह है कि पिछला रिकॉर्ड अगर इतना अच्छा रहा है तो अगला रिकॉर्ड भी उसके आसपास ही रहता है, ये देखा गया है, ये इतिहास ऐसा कहता है, ये हिस्ट्री ऐसी कहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 21 दिया तो 21 ही मिलेगा, कम भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आसपास रहता है, ऐसा इतिहास ये कहता है, मैं नहीं कह रहा। हिस्ट्री आप देखोगे किसी म्यूचुअल फंड की, अगर अच्छा म्यूचुअल फंड है तो उसकी हिस्ट्री अच्छी होती है, बुरा है तो उसकी हिस्ट्री खराब होती है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी हिस्ट्री देखो सर, फ्यूचर तो कोई नहीं बता सकता, हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री उसकी कहानी बयां करती है, ठीक। ये कुछ म्यूचुअल फंड के नाम मैंने लिख रखे हैं, आपको फोटो खींचना होगा लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेना। कितना दिया है सर, सब ने 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है। इस फंड ने, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने दिया है सर 25% एनुअल रिटर्न, 20 साल की बात कर रहा हूँ, 20 साल में। और ये सारे रेगुलर प्लान है सर, ये डायरेक्ट प्लान नहीं है। आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में फर्क ये होता है कि रेगुलर प्लान में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो 1-1.5% के आसपास ज़्यादा लगता है, एक्सपेंस रेशियो समझते हो ना, कमीशन, वो ज़्यादा लगता है। डायरेक्ट प्लान अगर होता तो 1-1.5% इससे कम लगता है, सुनने में कम लग रहा होगा 1-1.5%, अरे 1-1.5% की बात है, लेकिन लंबे होराइजन में देखोगे ना आप, बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आप 20 साल 25 साल की बात कर रहे हो तो 10-15 लाख रुपये का फर्क पड़ जाता है वो 1-1.5%। कंपाउंडिंग ना भूलो, कंपाउंडिंग हर जगह काम कर रहा है। अगर मिलने में कंपाउंडिंग है तो कमीशन देने में भी कंपाउंडिंग है भैया। आज के सेशन में मजा आया, कुछ नया कुछ सीखने को मिला, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो